पाया कि उस मसले की बाबत रसूलों और काहिनों के पास यरूशलम को जाएं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल 15:1-6 आए था। उस वक्त बास लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा के सुन्नत के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बड़ी तकरार और बहस हुई तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और दूसरों में से चंद अशखास इस मसले की बाबत रसूलों और काहिनों के पास यरूशलम को जाएं। बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रुजू लाने का बयान करते हुए फिनिकिया और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। और जब वो यरूशलम में पहुंचे तो कलीसिया और रसूलों और काहिनों ने इनका इस्तकबाल किया और उन्होंने बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ होकर क्या क्या कुछ किया। मगर फरीसियों के फिरके में से बास ने जो ईमान लाए थे उठकर कहा, उनको खतना कराना और मूसा की शरीयत पर चलने का हुक्म देना जरूर है। बस रसूल और काहिन जमा हुए ताकि इस बात पर गौर करें। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र।